की है। प्रशासन ने मानसून सीजन के दौरान 3 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। सोनीपत के डिप्टी कमिश्नर ललित सिवाच और जिला वन मंडल अधिकारी राजेश वत्स के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। वहीं फॉरेस्ट अधिकारी ने बताया कुछ पौधे सड़क के किनारे आग लगने से जल गए थे, उन्हें दोबारा से लगाया जाएगा। इस बार मानसून सीजन के दौरान 3 लाख से ज्यादा पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। मानसून शुरू होते ही इस अभियान की शुरुआत कर दी जाएगी। आज के दिन जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोका जा सके और आने वाली पीढ़ियां हैं, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए हम अपनी विरासत में ये सौंप के जाएं कि जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, इसको यहाँ रोक के ठीक ठाक से आगे काम चले जिससे कोई दिक्कत ना आए आने वाली जनरेशन। हर आदमी को पौधा रोपण ही नहीं करना चाहिए, जो पौधा रोपित किया जाता है उसकी देखभाल के लिए भी ध्यान देना चाहिए, उसको संभालना भी चाहिए। तो संदेश ये है कि पौधा रोपण करने के बाद उसका ध्यान जरूर दें, उसकी संभाल जरूर करें। सबसे पहले तो जो पौधे लगाए हुए हैं उनको बचाना है और जो आग से नुकसान हो रहा है उसको कम करना है। कई जगह आग लगने से पौधे झुलस गए हैं, खासकर जो रोड के साथ में ग्रीन बेल्ट हैं वहाँ पर कई जगह काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उनको ठीक करने के लिए जो पौधे जीवित हैं उनमें पानी दिया जा रहा है और जो पौधे मर गए हैं अब जुलाई में उनकी जगह नए पौधे लगा दिए जाए। अब की बार सोनीपत जिले में लगभग 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसको हासिल कर लेंगे।